SMTP इज इक्वल टू, हेलो हेलो। हेलो भुवनेश, हाय फाद हेलो। और कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं आज? यार, मेरे कोई आइडिया नहीं है। तो आप पता कर लो कितने लोग आने वाले हैं, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं किससे पता करूं? मैं पता कर रहा हूँ, एक सेकेंड। हेलो प्रदीप, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और कितने लोग ज्वाइन होंगे, डू यू हैव एनी आइडिया? नो सर, आई थिंक हम एक दो ही सेकेंड, थे सर। हाँ आप दो ही थे? जी ये कंफर्म है क्या? सर। तो आप दोनों ही हैं, ये बात कंफर्म है कि मैं नीचे से एक बार पूछ लूं? सर देख लीजिए, वैसे तो शायद हम दो ही हैं, क्योंकि हम दोनों का ही लास्ट बैच वो हुआ था, इनकम्प्लीट था। ओके एक मिनट में पता कर ले रहा हूं। ओके हाँ हेलो हेलो एवरीवन।
हाँ यस सर, आप तीन आदमी ज्वाइन होने वाले हो, एक आज नहीं आएंगे, वो मतलब उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, आप ही दोनों हो आज क्लास में। तो अपने बारे में आप दोनों आदमी इंट्रोडक्शन दो कि आप क्या हो, आपकी बैकग्राउंड कैसी है। आज इंट्रो पे रहेगा पूरी क्लास। यस माय नेम इज बुनीश एंड यस आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन इंटेलेक्ट डिजाइन यस एंड व्हाट आर एंड लास्ट 2 इयर्स एंड आई हैव यस व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर गुड इन। आई हैव नॉलेज ऑफ सी शार्प एंड जावा। सी शार्प एंड जावा, वेरी गुड। एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ मोर। एंड टोटल एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 8 साल हो गए काम करते करते आईटी इंडस्ट्री में। आईटी और इंडस्ट्री में तो फिर सिक्योरिटी में आपका इंटरेस्ट कैसे है? सिक्योरिटी में इंटरेस्ट ऐसे आया कि हमारी कंपनी को नीड थी बंदे की यस और मैं सोच रहा था कुछ नया करने की। यस यस वेरी गुड। तो आपको आईटी का कितना एक्सपीरियंस है, मतलब सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी उसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को। हाँ का? ओके। एंड प्रदीप, आप अपने बारे में जरा बताओ। सर, सो माय सेल्फ प्रदीप सरस्वत एंड आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम ग्वालियर यस इन अ कंप्यूटर साइंस ब्रांच यस एंड करंटली आई एम वर्किंग विद टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड ओके एंड पास्ट आई एम वर्क पास्ट वर्किंग विद इंटेलिजेंस एजेंसी एनटीआरओ इंटेलिजेंस एजेंसी एनटीआर, वेरी गुड। यस एंड सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड वर्किंग विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो दैट्स व्हाई आई एम चूज। ओके ओके वेरी गुड। यू कैन बी अ बेस्ट साइबर सिक्योरिटी पर्सन विदाउट नोइंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स प्रूवन। सम ऑफ द बेस्ट हैकर इन द वर्ल्ड डोंट इवन नो हाउ टू प्रोग्राम ए सिंगल लाइन ऑफ कोड, बट दे आर वेरी गुड एट इट बिकॉज दे नो हाउ टू रीड कोड, नॉट हाउ टू राइट कोड। इज दैट या सर क्लियर? आई हैव तो नॉलेज दैट कि यस हाउ टू रीड इट। यस यस इतना ही सफिशियंट होता है सिक्योरिटी में, क्योंकि फॉलो आप देख कर पता कर सकते हो, ना कि फॉलो आप लिख कर। वो भी होता है, वो एक अच्छा हो जाता है, लेकिन आप बेस्ट बन सकते हो ऐसे भी। तो वेरी गुड, आप रिव्यू कर सकते हो कोड, इतना ही काफी है। और बुनीश, आप तो बहुत अच्छे। और बुनीश, मैं एक बात बताऊंगा, सिक्योरिटी में जो सबसे ज्यादा आपको क्रिटिकल लैंग्वेज जो आनी चाहिए वो है जावा स्क्रिप्ट। हाउ फेमिलियर यू आर विद जावा स्क्रिप्ट? हाँ जावास्क्रिप्ट आती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, आप लोग अभी, आप लोगों के पास फोन है क्या? हाँ फोन फोन हाँ यस। आप लोग एक ग्रुप बनाओ व्हाट्सएप पे, उसमें मेरे को भी ऐड कर लेना, अपनी अपनी नंबर सारे चैट में डाल दो। उसपे क्या होगा कि कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहेगी क्लास से, या फिर कोई भी मटेरियल शेयर करना हुआ तो यहाँ अपन भेज सकते हैं। आप अपना नंबर शेयर कर यस दीजिए और प्रदीप का तो है मेरे पास नंबर ना। यस ठीक है। 7070936978 आप लोग देख लो चैट में आई कि नहीं। हाँ 1 मिनट। पुलिस सर नया क्रिएट कर लेना। एक हाँ हाँ नई नई कर 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 लेना आप लोग, सिक्योरिटी क्लास करके या ऐसी कुछ। फहद आपको कितना एक्सपीरियंस है इसमें सिक्योरिटी में? सिक्योरिटी में मेरे को एटलीस्ट 4 ईयर का है। एक्चुअली मैं इससे पहले बग बाउंटी हंटर हुआ करता था। आप डू यू नो बग बाउंटी हंटर्स? वो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में, जैसे मैंने को ये बग निकाले, जियो में निकाला है, आपको कह दूँ तो पंजाब नेशनल बैंक में निकाला है, स्विगी में निकाला है, फिर डेलन प्राइवेट बैंक है न्यूजीलैंड का, उसमें निकाला। ऐसी 20+ कंपनीज में मैंने रेडिट में निकाला। रेडिट, डू यू फेमिलियर विथ रेडिट? उसमें मैंने निकाला है। फिर आई फूड करके एक ब्राजीलियन वेबसाइट है, उसमें भी मैंने बग निकाले। तो एज अ बग बाउंटी हंटर, लेकिन वहाँ थोड़ी क्रिटिकल चीजें होने लगी, जैसे भीड़ बहुत होने, कंपटीशन बहुत ज्यादा होने लगा, तो पे आउट जो है ना वो कम होने लगा। तो फिर मैं कुछ एक सेटलमेंट के, तो स्टेबिलिटी को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए मैं इधर आया हूँ।
टीचिंग लाइन में और थोड़ी स्किल शार्प करने के लिए। तो आप अपने बारे में और थोड़े एक्सपेंड में बताइए, आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी फाइनल गोल क्या है, आप इस क्लास से क्या अचीव करना चाहते हैं जिससे मुझे भी थोड़ी कन्वीनियंस मिलेगी आपको आपसे इंटरेक्ट होने में। फादर आपका एक्सपर्टाइज क्या है मतलब सिक्योरिटी में? एज अ बग बाउंटी हंटर मेरी एक्चुअल में बग बाउंटी हंटिंग मेरी एक्सपर्टाइज है। हेलो 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 प्रदीप प्रदीप हेलो प्रदीप यस सर बुनीश शायद सर वो डिस्कनेक्ट हो गए अभी। ओके ओके बुनीश हेलो बुनीश आ गए सर। यस यस हाँ बुनीश आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि मतलब मेरे को विशाल ने बताया था आपके बारे में। विशाल सर ने? हाँ ओके तो विशाल ने बोला था कि आप फहाद से बैच ले लेना अभी फिलहाल वही अच्छा पढ़ा रहा है। ओके तो आप लोगों ने विशाल सर से पढ़ा था क्या? हाँ वह पीटी थोड़ा पढ़ा था तो हमारा कोर्स पूरा हो नहीं पाया था। प्रदीप और मैं ही थे उस बैच में। एक बंदा और था वो ज्वाइन नहीं करता था तो हम दो ही बंदे होते थे ज्यादा तक। ओके तो फहाद ने सॉरी विशाल ने बताया था आपको ना दो चीजें बहुत मतलब बहुत तगड़ी है। यस क्या बोला था उन्होंने? मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली में काफी टाइम हो गया बात करे हुए। Yes, yes, तो उन्होंने बताया था कि उनकी दो चीजें बहुत अच्छी है अच्छे से समझ लेना बहुत अच्छा पढ़ा देंगे वाला। ओके ओके तो प्रदीप आप अपने बारे में थोड़ा एक्सपेंड में बताओ आप। सर इससे पहले मैं जिस इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए वर्क करता था वहां मतलब वेब एप्लीकेशंस का वर्क इतना नहीं था जितना नेटवर्क का था। ओके यस नेटवर्क पे काम। तो आप इंटेलिजेंस के लिए क्या इंडिया की इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे ना? हाँ जी सर। ओके वेरी गुड। तो फिर वहां पे नेटवर्क में ही ज्यादा मतलब आईपीस वगैरह आते थे देन उस पे किस तरह की पोर्ट्स वगैरह को फाइंडिंग करना एंड जैसे आप क्या जैसे कमांड क्या यूज करते थे आप पोर्ट्स के लिए? सबसे बेस्ट तो वही है सर कुछ एनमैप यूज करता था एंड शोडन भी यूज करता था मैं तो ज्यादा कुछ करता था मैं बस ये दोनों आप यूज कर देते और फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए और फर्दर एक्सपेंडिंग और मोर एसेट डिस्कवरी के लिए बस पोर्ट इसके है? नहीं सर ऐसे तो काफी थे कि शब्दों में एनुमेरेशन करता था सबलिस्टर वगैरह से सबलिस्टर से और एडवांस टूल भी दो सबलिस्टर से सेट फाइंडर है। यस यस है ना तो थे सर इनसे तो वो मैं यूज करता था एंड सर उसके बाद सब डोमेन्स वगैरह फाइंड करके एंड पोर्ट स्कैनिंग के लिए तो सर एनमैप ही बेस्ट है। nmap based है nmap के कुछ कमांड्स आपको जैसे फॉर एग्जांपल हां सर जैसे कि अगर hyphen sb है अगर फायर yes. है तो hyphen f था जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके आप लोग कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? या या जैसे पुनीत आप बुनीश आप देख रहे हो ये स्क्रीन जैसे आपकी आई तो nmap की जो सबसे बेस्ट कमांड मुझे लगी ना वो ये जो मैं जनरली यूज कर रहा हूं। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो क्या? हां जी हां जी nmap उसके बाद आप यहाँ पे आईपी डाल देना ठीक है। ये जो कमांड है ना ये एक बेस्ट और ये ओएन जो सॉरी मैंने डाला है ना यहाँ पे आप फाइल नेम पहले सेव कर लो जैसे फाइल नेम जिसमें आप सेव करना चाहते हो रिजल्ट को रिजल्ट उसके बाद यहाँ पे आईपी जिस पे आप स्कैन करना चाह रहे हो ये कमांड जो है ना आपको दूसरी हेलो मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ आवाज आ रही है प्रदीप आपको नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो यस हेलो आवाज मेरी आ पा रही है आप लोगों के पास? अफहाद मुझे आ रही है प्रदीप को शायद नहीं आ रही है। प्रदीप आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो प्रदीप कैन यू हियर मी? यस प्रदीप आपको मेरी आवाज आ रही है?
प्रदीप कैन यू हियर मी? अभी आ रहा है। तो ये मैंने आपको एक कमांड लिखा, आप लोग यू कैन राइट इट डाउन। तो ये जो कमांड है ना, इससे आपकी ये सारी चीजें जो आएंगी रिजल्ट यहाँ सेव हो जाएगी। और ये स्कैन जो है ये मैं बेसिकली यूज करता हूँ बग बाउंटी में। ये जो है ना ये बेस्ट है आपके लिए, ये वाली स्क्रिप्ट जो है वर्जन इनुमिनेशन के लिए, स्क्रिप्ट डिफॉल्ट स्क्रिप्ट के लिए, एस डी फॉर डिफॉल्ट है ना, क्या सॉरी TCP ports के लिए। Yes, very good. तो आपने ये देख लिया, ON से ये save हो जाती है XML format में शायद। Hello? Hello? तो ये basic था, इससे है ना आप ये वाली nmap की command हर जगह चला सकते हो। जितने भी firewall या TCP wrapped होंगे, ये जितनी भी चीजें होंगी वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी यहाँ। Is that clear? Okay. हाँ जी। तो अपन शुरू करते हैं आज। आप लोगों को इन डेप्थ में कितना एक्सपीरियंस है हर चीज का? तो अपन आपने कभी पोर्ट स्विगर किया है? स्विगर लैब स्ट्राइक किए आपने? हाँ जी, हाँ जी किए, हाँ जी किए। आपने आर यू फैमिलियर विद बर्ड सूट? हाँ जी। तो पोर्ट स्विगर आपने कहाँ तक कर लिया? जितना पिछली वाली क्लासेस में हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ इसमें से क्या क्या हो चुका है अपना? जैसे कि डायरेक्टली ट्रेवर्सल है। यस। कमांड इंजेक्शन भी हो गया था। कमांड इंजेक्शन, SSRF भी था। SSRF भी हो गया। फाइल अपलोड? फाइल अपलोड भी हो गया था। XSC? तो बचे क्या ये वाले टॉपिक्स? कोर्स हो गया होगा। SCR सिर्फ ये बचे थे हमारे टॉपिक्स। तो आप चाहते हो क्या मैं फिर से इन्हें रिवाइज करा दूं इन शॉर्ट में, या फिर आप लोग चाहते हो कि नया पढ़ेंगे आज से? इन शॉर्ट अगर रिवाइज करा दोगे तो ये है कि क्योंकि शायद बुरी से 2 या 3 वीक्स हो गए ना। एक सेकंड 2 से 3 वीक्स हो गए हमें मतलब छोड़े हुए। तो एक बार अगर होता है फास्टली रिवाइज हो जाएगा तो थोड़ा सा ये है कि Sorry for the interruption, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था जैसे हमें 2 या 3 वीक्स हो गए हमारा Yes. बैच जो जब से वो Yes. हुआ था। Yes, तो Yes. हम चाहते हैं कि एक बार ये फास्टली रिकॉल हो जाएगा ना। Yes, तो Yes, Yes. बस एक बेटर वो हो जाएगा बस। और अंडरस्टैंडिंग ग्रुप तो बन गई है। ओके, तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आज से। आपने बोला डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल हो गया, तो लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल। ओके ओके। आप लोग या कुछ देखो, मैंने आप लोगों के लिए है ना ये गिटहब पे मैंने एक पर्सनल नोट्स बनाए हैं जिस जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है? ओके ओके। लोकल फाइल इंक्लूजन तो चलते हैं अपन डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल की तरफ। व्हाट इज डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल, आप पढ़ना बुनीश। डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल इज अ वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी दैट अलाउ एन अटैकर टू व्यू आर्बिट्ररी मतलब रैंडम फाइल्स एंड वेब सर्वर दैट इज रनिंग द वेब एप्लीकेशन। आपने इससे क्या समझा कि डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल जो होता है ना वो एक वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है। वो क्या करता है कि अटैकर को है ना आर्बिट्ररी फाइल जो वेब सर्वर पे है उनको क्या करता है ये रीड करने के लिए एक्सेस दे देता है। अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पे एक बेसिक चीज समझा रहा हूँ कि ये होता कैसे है डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल। एक सेकेंड आप देखना कि आप तो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो ना? हाँ जी। इमेज सोर्स इज इक्वल टू समथिंग, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक ए रियल वर्ल्ड एग्जांपल इमेजेस। आई नीड टू एक्सपेंड दिस इमेजेस, दिस पार्ट इज इमेजेस। Name is equal to 10.png equal to
my cat image. So, so, hello everyone. आप स्क्रीन देख पा रहे हो क्या? हाँ जी। तो आप बताओ बुनीश, आपको प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड इमेज, ये थोड़ा आपकी आवाज डिस्टर्ब हो करा रही है। हाँ जी, बात। यस, तो प्लीज बुनीश आप बताओ कि आप इतना पार्ट तो आप समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? आप लोग है ना, ये इमेज फोल्डर में एक फाइल पड़ी हुई है। Yes. फाइल नेम भी और उसका नाम ये है माय कैट इमेज। यस, तो ये तो पता। आप ये बताओ मुझे कि बस इतना ही इससे अपन पता कर सकते हैं प्रिडिक्ट। इस फोल्डर का नेम तो मिल ही रहा है ना हमें इसमें? नहीं, ये एक्चुअल में मतलब आप बैक एंड से कितना इंटरेक्टिव है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बैकएंड से ये है कि जो डेटाबेस से जो हमारी आएगी इमेजेस, वो ये डेटाबेस से कनेक्टिविटी का। प्रदीप, आपको कोई आइडिया लग रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ सर, ये इमेज एसआरसी जो एक मतलब टैग यूज किया है हमने एचटीएमएल का, तो उसमें जो सोर्स है तो ये एक इमेज फोल्डर है जो कि हमारे डेटाबेस में पड़ा हुआ है। यस, और वहाँ पे एक फाइल का नेम है जो कि 10.png है। यस, ये एक फाइल पड़ी हुई है उस फोल्डर के अंदर जो कॉल हो रही है यहाँ पे। यस, इसमें आके अब अपन डेप्थ में समझते हैं इन चीजों को, ठीक है, कि हाउ थिंग्स वर्क्स रियल इन रियल वे, नॉट इन थ्योरेटिकल बट इन रियल वे। अपन देखते इसे क्या बोलोगे आप इतने पार्ट को? ये एक एचटीएमएल टैग है जिसको अपन बोलते इमेज टैग। क्या? हाँ जी, इमेज टैग। इमेज टैग बहुत सारे टैग होते हैं, डिव होता है, टाइटल होता है, हेड होता है, स्क्रिप्ट होता है, ये सारे क्या होते हैं? एचटीएमएल के टैग। आप लोग राइट डाउन करते रहना जो जो बता रहा हूँ मैं। आप लोग आर यू रेडी? आपके पास कॉपी होनी चाहिए ना कि वीम एडिटर या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, कॉपी है। कॉपी पे आप लोग लिखते रहो। ये क्या इमेज टैग है एचटीएमएल का? बैकग्राउंड में इन डेप्थ में आपको समझा रहा हूँ, ये इमेज टैग है। Is that clear? इसकी ये SRC जो है, ये इस इमेज टैग की, इसको क्या बोलेंगे? बुनीश आप कुछ बता सकते हो क्या? SRC को एक्चुअल में आप क्या बोलोगे इन जनरल HTML में? सोर्स बोलते ना। सोर्स तो उसका नाम हो गया ना, इन जनरल आप क्या बोलोगे इसको? ये HTML टैग है, इमेज जिसका नाम है। दूसरा SRC जो है ना, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट या एट्रिब। क्या बोलते हैं? ये एट्रीब्यूट है, और इस एट्रीब्यूट की ये क्या है? वैल्यू है। कहां तक? आपने की वैल्यू पेयर्स का नाम सुना है? की वैल्यू पेयर्स, ये की होती है, ये इसकी वैल्यू होती है। उसी तरह ये एट्रीब्यूट है और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। दूसरी एट्रीब्यूट क्या है? अल्टरनेटिव। जब ये इमेज फेच करना अगर सोर्स से फेल हो जाएगा तो अल्टरनेटिव में ये वाली स्ट्रिंग टेक्स्ट आपको अपीयर होगी उस इमेज की जगह पे। इज दैट क्लियर? अल्टरनेटिव भी क्या है? एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट की ये स्ट्रिंग में वैल्यू है, ठीक है। और टर्मिनेट करने के लिए क्या बैकस्लैश लगाए, ये आप दो या ना दो। इज दैट क्लियर? जी। अब अपन ने फ्रंट एंड समझ लिया। बुनीश आप एक बार समझा दो क्या बोला मैंने। इससे क्या रहता है ना कि कॉन्सेप्ट में फील आती है कि आप कॉन्सेप्ट कैच कर चुके हैं एक बार में। इमेज, इसमें अपने बताया कि इमेज जो IMG हमारा इमेज HTML टैग है, SRC हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक जो भी राइट हैंड साइड वैल्यू होगी वो एट्रीब्यूट्स ही होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यूज है, जहां पे हमें जो कुछ भी इनपुट करवाना है। यस, और ये भी ये इतना क्लियर है। अब दूसरी जगह अपन आते हैं, एक और चीज देखते हैं। यहाँ पे जो हो रहा है बेसिकली, आप लोग लिख रहे हो ना, ये पार्ट जो है स्लैश से लेकर इमेज तक, इसे लिखो स्लैश से लेकर इमेज तक लिखो आप, इट इज अ पार्ट ऑफ URL। स्लैश इमेज इक्वल टू इट इज अ पार्ट ऑफ URL। ओके, it is a part of URL।
which is defining a parameter file name and file name is fetching the resource requested in the parameter file name. Is that clear? हाँ जी. आप लोगों को कॉन्सेप्ट किसी चीज में डाउट आया तो पूछ लो आप प्लीज. अपन इन डेप्थ में समझ रहे. यहां पे एक चीज आप लोग नोट कर लेना कि द फाइल नेम पैरामीटर इज स्पेसिफिकली डिफाइंड फॉर द images / images part of the URL. Okay. And this parameter won't be valid on other parts of URL. Maybe or may not be. बिकॉज समटाइम्स क्या करते हैं ना वेबसाइट्स वाले कि एक ही पैरामीटर रखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी घटाने के लिए, वो गलत होता है. और एक ही पैरामीटर से सारे रिसोर्स फेच करते हैं, उससे भी डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल की प्रॉब्लम आ सकती है. लेकिन अपने को वो वाली कंडीशन अभी नहीं है. अपने पास एक कंडीशन, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इस पार्ट में हो क्या रहा है? हाँ जी. डेप्थ में आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कि फाइल नेम पैरामीटर जो है वो सिर्फ इमेजेस के लिए डिफाइंड है. इज दैट क्लियर? और हो क्या रहा है कि फाइल नेम पैरामीटर जो है वो बैक एंड से किस टाइप के रिसोर्स को फिच कर रहा है जो उसकी वैल्यू में दी गई है. 10.png कहां से आ रही है? बैक एंड से आ रही है. अब अपन समझते इन डेप्थ में. ओके दूसरा पार्ट. नाउ बैक एंड में क्या हो रहा है? बैक एंड में फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी अपाचे की सर्वर है या डिफॉल्ट कोई भी है तो उसके लिए एक प्लेस डिफाइंड होती है. फॉर एग्जाम्पल var www/images/ यहां सारी इमेजेस जो है, या वाइल्ड कार्ड थ्रू कट all.png, ये सारी इमेजेस के अंदर सारी इमेजेस फाइल बैक एंड में यहां स्टोर्ड है. इतना क्लियर है? हाँ जी. बैक एंड में ऐसे स्टोर, ना कि ये इमेजेस में स्टोर है. ये आती ऐसे है इमेजेस. जब आप बोलते हो कि 10.png, आपको लग रहा होता है कि ये तो इमेजेस में से आ रही है. नहीं, ये आ कहां से रही है? बैक एंड से रिसोर्स फेच कर रही है. और उसके लिए यहाँ पे क्या है, एक पैरामीटर को डिफाइन किया जाता है. बट द कैच इज, ये जो आती है फाइल, अब बुनीश आप बताओ, आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हो, अब बताओ कि फाइल नेम जो आप रिक्वेस्ट करते हो तो बैक एंड से फाइल नेम किस तरह की से आती है, किसकी हेल्प से आती है? SQL की हेल्प से आती है. SQL क्वेरी SQL की हेल्प से आती है. अगर मान लो SQL नहीं यूज हो रहा हो बैक एंड जावास्क्रिप्ट पे, अगर डेटाबेस यूज ना हो रहा हो, नहीं डेटाबेस अगर SQL नहीं हो, क्वेरी लैंग्वेज नहीं हो, तो इसका आइडिया तो मुझे नहीं है, लेकिन मैंने तो हमेशा क्वेरी लैंग्वेज ही करा है ना. मैं बताऊं इसके लिए क्या होती है, API की यूज होती है. ठीक है? अच्छा, API, हाँ, API की हेल्प. आपको जो ये फाइल नेम आ रही है ना क्वेरी पैरामीटर, ये क्या कर रही है, API रिक्वेस्ट कर रही है इस पार्ट पे. और ये जो पार्ट है वो आपको ये वाली रिसोर्स यहाँ से यहाँ फेच कर दे रहा है. इज दैट क्लियर?
लेकिन फाद ये एपीआई में भी तो हम डेटाबेस यूज करते हैं ना कहीं ना कहीं, एपीआई में डेटाबेस तो... यूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्या पूछा फेच किसकी वजह से हो रही है, क्वेरी एपीआई नहीं ना, एपीआई अलग चीज है। मैंने बोला कि एपीआई में क्वेरी यूज हो रही है ये आपकी, मैंने पूछा फेच किसकी वजह से हो रही है, एपीआई डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरी नहीं आती है एपीआई की तरफ से। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, इज दैट क्लियर? तो अब अपन बात कर रहे हैं कि इतना क्लियर है, ऐसे आ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल जब आपने रिक्वेस्ट बनाया तो वहां पे आपने फ्रंट एंड में आपने एक यूआरएल डाला, ठीक है, आपकी यूआरएल थी https://www.some-website.com/images-what-file-name=10.png या कुछ भी xx.png, इज दैट क्लियर? आप जब किसी चीज को देखते हो तो वो ऐसे जाती है ना फाइल नेम, क्लियर है? ऐसे ही ना खुलती है, आप किसी इमेज को खोलते हो तो, हाँ जी, इज दैट क्लियर? अब अपन आते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब ये बैक एंड में कैसे काम करेगा, बैक एंड में जो होगी वो क्वेरी ऐसी होकर जाएगी, इज दैट क्लियर? बैक एंड में जो सोर्स यहां फाइल नेम वाली है, बैक एंड में सोर्स तो यहीं से ना फेच होगी, हाँ जी, ठीक है। आपने ट्रांसवर्सल सीक्वेंस का नाम सुना है कभी, पाथ ट्रांसवर्सल सीक्वेंस, डॉट डॉट स्लैश, हाँ जी हाँ जी, ये होता है किसके लिए, सॉरी, लिनक्स या मैक, इज दैट क्लियर? और डॉट डॉट बैक स्लैश विंडोज के लिए, इज दैट क्लियर? हाँ जी, नोट कर लो इतना सारा चीज कि बैक एंड में कैसे चल रहा है काम। ये वाले इसके बारे में है, ये Is that clear? नोट कर लो ये सारी चीज। Done. आप लोगों को कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो, इज दैट क्लियर? हाँ जी, पूरा क्लियर हो गया कि कैसे बैक एंड में काम कर रहा है ये। आप यहाँ पे जो फ्रंट एंड में क्या है, आप HTML राइट करते होगे फ्रंट एंड में, तो बैक एंड में क्या हो रहा है, कैसे डाटाबेस से आ रही है ये सारी चीज है, इज दैट क्लियर? हाँ जी, रियल डाटाबेस रियल बैक एंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन अब आते हैं बेसिक पे कि पाथ ट्रांसवर्सल सीक्वेंस से कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं अपन चीजों को। तो फॉर एग्जांपल देखो, अपन अभी किस डायरेक्टरी में, मैं अपने होम डायरेक्टरी में हूं एज ए यूजर, ठीक है। अब मैं अगर मान लो यहां से डॉट
मैं कितना भी लगा दू मैं फाइनली कहां पे लैंड करूंगा, कहां पर? होम पे, अपने रूट डायरेक्टरी में। किसमें? रूट। देखो क्या हूं मैं, रूट डायरेक्टरी, इज दैट क्लियर? हां जी। ये रूट डायरेक्टरी, यहां फिर इसी के अंदर होम डायरेक्टरी, होम में फिर यूजर आती है, ये यूजर, फिर यूजर की डायरेक्टरी, इज दैट क्लियर? ये कितना भी आप सीक्वेंस लगा दो, आप फाइनली बैक एंड करोगे किस पे? इस पर। इज दैट क्लियर? हां जी। तो अब आते हैं अपन इधर। बेसिकली हो क्या रहा है कि आर्बिट्रेरी फाइल्स, हाँ, तो ये वाला पार्ट अपन समझ रहे थे, इसके बारे में अपन ने समझा था, ठीक है? आपको एक्सप्लेन किया था मैंने कि इसे देख लिया ना आप लोगों ने, पढ़ो तो इस पार्ट को आप। The load image part of the URL takes the parent file name and return the contents of the specified file from the database of a web application. Is that clear? Note. Suppose the images are stored somewhere on the server, like bar www images. The application append the requested file name to base directory and use the file system API to read the contents of the file. Is that clear? File system API to read the contents of the file. Suppose the image are stored somewhere in the server like var www images. The application appends the requested file name to the base directory and uses a file system API to read the contents of the file. Is that clear? ये ऐसे बैकएंड में अपेंड हो जाती है। अब ये पढ़ो आप, ये मेन हेडिंग, पढ़ो आप। The application implements node defense against directory traversal attack. So an attacker can request the following URL to retrieve an arbitrary file from the server's file system. तो डॉट डॉट स्लैश की मदद से आप यहाँ देख लो, फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ हो, ठीक है जी, होम डायरेक्टरी में हो, ठीक है? मैं किसी डायरेक्टरी में और चला जाता हूँ अंदर, होम के अंदर, ठीक है? होम के अंदर मैं और अंदर चला जाता हूँ, जैसे मैं इतना ही पे हूँ, मैं एक डायरेक्टरी और अंदर हूँ, ठीक है? लेकिन फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ आता हूँ, सीडी एटीसी कैट, यहाँ पहले आप देख लो etc के अंदर डायरेक्टरी में हो, इज दैट क्लियर? रूट स्लैश etc, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं, कैट पासवर्ड, इतना तो आप लोगों को दिखाया होगा सर ने, ये क्लियर है? लेकिन अगर कोई बंदे, अगर कोई आदमी है, ठीक है, वो यहां उसको इमेज देखने की परमिशन है, इज दैट क्लियर? अपन इमेज वाले डायरेक्टरी स्लैश इमेजेस पे है, सपोज करो ये स्लैश इमेजेस वाला है वहां वेब सर्वर के डायरेक्टरी के पास, मैं यहां से कैट डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश एटीसी, यहां से मैं देख सकता हूं कि नहीं? हाँ या ना? शायद सर हाँ, देख सकते हैं। यस, डेफिनेटली देख सकता हूं मैं। किस वजह से? पार्ट ट्रांसवर्सल जो सीक्वेंस थी ये डॉट डॉट स्लैश, इसकी वजह से देख सकता हूं। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। तो अगर फाइल नेम जैसे यहां से वार डब 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 स्लैश इमेजेस 218.png आ रही है, वहां पे अगर पार्ट ट्रांसवर्सल सीक्वेंस लगाकर एटसी पासवर्ड का अगर अपन फाइल रीड कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? आरबीटीआरडी फाइल्स जो है वेब सर्वर की इस वल्नरेबिलिटी की वजह से अपन उसी को ना रीड कर सकते थे, तो उसी की हेल्प से अपन ने क्या कर लिया, एटसी पासवर्ड को रीड कर लिया। आगे पढ़ो आप। दिस वाज द एप्लीकेशन रीड द फ्रॉम द फॉलोइंग फाइल पाथ। यस, this is for Windows, you need to use sequence like dot dot and backslash
विंडोज की सेंसिटिव फाइल, आप एक चीज लिख लो दोनों दोनों आदमी जी, फॉर लिनक्स जी सम सेंसिटिव फाइल्स ऑन वेब सर्वर्स आर जी etc/password और etc/shadow फॉर विंडोज सेंसिटिव फाइल ऑन वेब सर्वर इज /windows/win.ini /windows/win.ini Is that clear? Web application append some type of defense against path traversal attack when user input is going into file path. Is that clear? Some type of file traversal defense कब लगाती है? जब user input जो है वो directly कहाँ जा रहा है? File के path पे. इस path में जैसे file name direct कहाँ backend के path में append होती है ना ये वाली ये value. आपको अभी बताया ना मैंने एग्जांपल में ये वैल्यू जितनी है वो बैक एंड के पाथ में अपेंड हो रही है ना यहाँ यहाँ देखो आप है ना डायरेक्ट बैक एंड में. तो पाथ ट्रांसवर्सल के लिए वेबसाइट्स कुछ क्या करती हैं अपेंड करती हैं किस चीज को कुछ ट्रांसवर्सल डिफेंस लगाती हैं क्या लगाती हैं डिफेंस कोई डाउट नहीं चलो फिर Common obstacles for bypassing path traversal. Is that clear? Common obstacles को जो bypass करते हैं वो जैसे path traversal defense को bypass करने के लिए आप या तो क्या करो कि absolute path दे दो वहां पे क्या यहाँ पे file name में की जगह ये पूरा copy करो और ये यहाँ पे direct डाल दो. तो sometimes क्या होता है आपको आपने तो lab solve की होगी ना. हाँ जी सर. Absolute path से भी आ जाती है कभी कभी path traversal. और दूसरा होता है सीक्वेंस ऑफस्केशन बाईपास. क्या होता है सीक्वेंस ऑफस्केशन? सीक्वेंस ऑफस्केशन समझते हैं अपन. ये आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया था क्या? हाँ जी हाँ जी. सीक्वेंस ऑफस्केशन के लिए अपन एक सेकंड देख लो. ये सर ने समझाया था आपको? सर ने समझाया ये आपको ये वो कैसे रहा? सम टाइम क्या होता है वेबसाइट्स क्या करती हैं कि डॉट सम टाइम्स क्या होता है कि वेबसाइट जो है जहां भी इस पाथ कहां ये जो डॉट डॉट स्लैश है ये डॉट डॉट स्लैश जो है ना अगर वो कभी भी वेबसाइट अपने पाथ में देखती है हेलो हाँ जी सर तो इस पार्ट को वो स्ट्रिप कर देती है ठीक है. लेकिन जब स्ट्रिप कर देती है तो फिर से देखना आप कि मैं फिर से बता रहा हूं कि जैसे डॉट 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 स्लैश डॉट स्लैश डॉट 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 स्लैश स्लैश ठीक है. तो आप देखना कि वेबसाइट्स क्या कर रही है ये तीन इतने पार्ट को वो स्ट्रिप आउट कर दे रही है. क्या कर दे रही है? स्ट्रिप आउट. जहां भी देख रही है पार्ट ट्रांसवर्सल वो एक तरह का डिफेंस है कि इस पार्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो क्या होगा कि वो इस पार्ट को आपके इसमें से हटा देंगी पाथ में से. फिर भी लेकिन आप गौर से देखना कि ये पार्ट ठीक है. इज दैट क्लियर? ये पार्ट और ये पार्ट मिलकर यहाँ पे डॉट 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 स्लैश नहीं बन जा रहा जी. इतना क्लियर हुआ? हाँ जी. ये पूरा पाथ अगर स्ट्रिप्ट आउट हो गया तो ये डॉट ये स्लैश क्या बन गया? क्या बन गया? सीक्वेंस बन गया. ये पूरा का पूरा स्ट्रिप्ट आउट हो जाए अगर लेकिन ये देखो ये डॉट डॉट आपका सीक्वेंस ट्रांसवर्सल का कंप्लीट हो गया कि नहीं? जी
इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इसको क्या बोलोगे आप, इस मेथड को? देखो, सीक्वेंस ऑफस्केशन बाईपास. क्या? इज दैट क्लियर? अब तीसरा पार्ट क्या आता है? सैनिटाइजेशन ऑफ एनी पार्ट ट्रांसवर्सल सीक्वेंस फ्रॉम द अटैकर कंट्रोल्ड इनपुट टू बाईपास दिस यू सिंगल और डबल यूआरएल इनकोडिंग. सिंगल और डबल यूआरएल इनकोडिंग, जैसे देखो आपने बर्ब सूट यूज किया. एक सेकेंड, ये डिकोडर होता है, ठीक है? इसमें डॉट डॉट स्लैश, आप इसको सिंगल इनकोड कर दो यूआरएल, ठीक है? डबल इनकोड कर दो यूआरएल, ये डबल इनकोडिंग यूआरएल की चर गई किस पे? डॉट डॉट स्लैश पे. इज दैट क्लियर? तो उसी तरह सिंगल डॉट डॉट स्लैश की इनकोडिंग ऐसी होगी, जब क्या होगा कि यूआरएल में अगर वो डायरेक्ट स्ट्रिप पर कर रही है तो क्या होता है कि बैक एंड जो होता है वो पहले से डिफाइंड रहता है यूआरएल इनकोड को क्या करने के लिए, रीड करने के लिए. इनकोडिंग बाईपास रीड करने के लिए बैक एंड सर्वर प्री डिफाइंड होता है, लेकिन फ्रंट एंड जो होता है उसको मतलब नहीं रहता है कि फ्रंट एंड के यूआरएल में क्या जा रहा है. इज दैट क्लियर? वो सिर्फ बस पैटर्न मैच करती है. फायरवॉल जो है उसको बस पैटर्न से मतलब है, उसे पैटर्न मिल गई तो ठीक है, पैटर्न नहीं मिला तो वो क्या करता है, ऑफस्केट हो जाता है या फिर बाईपास हो जाता है. जब तक पैटर्न उसे मिल चुका है तब तक चलता है और वो पैटर्न पकड़ता है. जैसे फायरवॉल इज लाइक अ इंटेलिजेंट मशीन, वो क्या करती है पता है, पैटर्न मैच करती है. जो प्री डिफाइंड व्हाइट लिस्टेड पैटर्न उसमें रहते हैं वो नेटवर्क ट्रैफिक पे जाती है और देखती है वैसे रिक्वेस्ट में कोई वैसा पार्ट आ रहा है जिसपे कोई भी क्या रहता है, क्या मलिशियस चीज, जैसे सर्वर के पास अगर जा रही है उस ट्रैफिक में से तो वो उसको पकड़ के क्या करता है, फिल्टर कर देता है. इज दैट क्लियर? कोई डाउट? तो वो सब बाईपास करने के लिए, फॉर एग्जांपल यूआरएल इनकोड भी समटाइम्स वेबसाइट्स करती हैं, उन्हें लगेगा कि डॉट डॉट स्लैश यूआरएल इनकोडेड है, ये प्री डिफाइंड किया गया है बैकएंड में या फिर कोडिंग में प्री डिफाइंड की गई है, ये इनकोड किया जाता है. लेकिन इससे भी कर अपन क्या करते हैं, बाईपास कर देते हैं किसका, फाइल ट्रांसवर्सल सीक्वेंस बाईपास. इज दैट क्लियर? पढ़ो इस पार्ट को पढ़ो आप. सैनिटाइजेशन ऑफ एनी पार्ट ट्रांसवर्सल सीक्वेंस फ्रॉम द अटैकर कंट्रोल इनपुट टू बाईपास दिस यू सिंगल और डबल यूआरएल इनकोडिंग. वो यहां पे लिखा हुआ है. इज दैट क्लियर? उसके बाद ये वाला पार्ट पढ़ लो आप. If the web application required that the file name must end with the expected file extension, for that we use null bytes injection. Null byte injection आपको पता है? कैसे होता है? Is that clear? Null byte injection. क्या होता है कि जब फाइल नेम जो रहती है वो अगर एक्सपेक्टेड फाइल एक्सटेंशन मांग रही है किसी भी जगह पे, एक्सपेक्टेड मतलब पीएनजी उस डायरेक्टरी में स्लैश इमेज में पीएनजी एक्सपेक्टेड है. इज दैट क्लियर? आपको इस फाइल में जिसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है इसको पढ़ने के लिए भी नल बाइट का एक एक्सटेंशन देना पड़ेगा. किसका एक्सटेंशन? नल बाइट. नल बाइट का जब एक्सटेंशन आप लगाओगे तो उसे लगेगा, फ्रंट एंड को लगेगा, ठीक है, लोड बैलेंसर को लगेगा कि इसका पार्ट है ये पूरा का पूरा एज ए ट्रीटेड एज पासवर्ड टू डॉट पीएनजी, ये पूरा ट्रीटेड एज ए सिंगल फाइल नेम. इज दैट क्लियर? लेकिन बैक एंड में जाएगा तो बैक एंड नल बाइट को प्रोसेस कर लेगा और वो इतने पार्ट को स्ट्रिप आउट कर देगा और वो समझेगा कितने पार्ट को, डॉट डॉट स्लैश टिल इट्स ई पासवर्ड, और ये इतने पार्ट को क्या करेगा, रीड कर लेगा, एग्जीक्यूट करेगा बैक एंड में और आपको रीडिंग एक्सेस दे देगा सेंसिटिव फाइल इट्स ई पासवर्ड का. इज दैट क्लियर? इंटरेस्टिंग चीज क्या बता,
heading and interesting. Sometimes direct jumping from one directory to another is restricted on the website. आपको ये तो मालूम रहा होगा कि आप है ना, मतलब डायरेक्ट इमेजेस से आप जैसे कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चल रही वेबसाइट को देख लो, तो उस पर डायरेक्ट जंपिंग आप डायरेक्ट इमेजेस से, फॉर एग्जांपल आप लॉग इन क्यों ना हो, वो हर सेशन आपका, हर पेज की सेशन आपकी CSRF टोकन से क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है. आप उसको बदलोगे तो आपको पहले उसका टोकन चेंज करना पड़ेगा. आप पहले आपको इस वेबसाइट से होता है ना कि आपको पहले फुल बैक होकर होम पेज पे आना पड़ेगा, फिर यहाँ से आप डायरेक्ट इमेजेस से डायरेक्ट किसी और डायरेक्टरी में नहीं, जैसे इमेजेस से आप डायरेक्ट /blob/LFI में नहीं जंप कर सकते हो, वो आपकी CSRF टोकन की वायलेशन हो जाएगी. क्या हो जाएगी वो अपन CSRF में आगे पढ़ेंगे. इज दैट क्लियर? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे बेस्ट उसको बाईपास करने के लिए मेन फाइल नेम का जो क्या है ये, जिस डायरेक्ट बैकएंड में क्या है, बैकएंड में क्या अपेंड हो रहा है, इतना पार्ट इमेजेस के लिए अपेंड होता है. हेलो, इतना पार्ट इमेजेस के लिए अपेंड होता है ना, तो आप इसको बैकएंड में पहले दे दो, आपका वो पूरा का पूरा जो रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्टरी है वो क्या होगा, बाईपास हो जाएगा. क्या हो जाएगा, बेस डायरेक्टरी अपेंड करने से रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्टरी में अपन जंप कर सकते हो और बाईपास हो जाएगी. इज दैट क्लियर? और कोई डाउट? आपका कल होमवर्क रहेगा कि आप डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल करके आओगे. मैं आपका डाउट आपका मैं आपसे कल इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ कुछ लैब सॉल्व करने के लिए दूंगा, और जो नहीं होगा वो खुद सॉल्व कर दूंगा. इज दैट क्लियर? ओके. कोई डाउट? नहीं नहीं. आप में से कोई अपनी एक ईमेल देना. मैं वो ये वाली फाइल भेज दे रहा हूँ आप लोगों को पढ़ने के लिए, या छोड़ दूँ? भेज दो फाइल, या तो ग्रुप पे भेज दो ना. ग्रुप पे नहीं भेज सकता ना डायरेक्ट, आप पहले ईमेल पे भेजूंगा मैं. लिखो bunishkumar@gmail.com. bunishsh kumar 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 gmail.com @gmail.com. ईमेल चली गई क्या? एक मिनट चेक कर दो. ओके, तो आज की क्लास यहीं ओवर करें क्या? और कोई आप लोगों को डाउट? नहीं, ठीक है. तो प्रदीप, प्रदीप आपको कोई डाउट? प्रदीप, आपको होमवर्क पता चल गया क्या आज? हाँ जी, हाँ जी. डायरेक्टरी ट्रांसफर्सल ज्यादा लोड नहीं बढ़ाना चाहता हूँ मैं, धीरे धीरे टाइम फिर मैनेज कर लूंगा धीरे धीरे. आप लोगों को आज पूरा कॉन्सेप्ट में किसी चीज में डाउट आया तो बोल दो, मैं फिर समझा देता हूँ. नहीं जी. तो आज की क्लास ओवर करें. ठीक है, कोई डाउट तो पूछ लो आप फिर से. नहीं नहीं, ये इसकी रिकॉर्डिंग कल आपको मिल जाएगी. इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, फिर क्लास ओवर करते हैं. बाय एवरीवन. ओके, बाय.